हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एडुसेट टेलीकास्ट। माई सेल्फ वंदना नरूला फ्रॉम GSSS नोनी साहा ब्लॉक, गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे अबाउट एंथैल्पी एंड कैलोरीमेट्री। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 6 है थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस एंथैल्पी एंड कैलोरीमेट्री। अर्लियर यू मस्ट हैव डन स्टेट फंक्शंस, स्टेट वेरिएबल्स। आप ये पहले पढ़ चुके हो कि स्टेट फंक्शंस होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। हमने लास्ट उसमें सीखा था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी जो होती है मेरी स्टेट फंक्शन, वो एंथैल्पी होती है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब h की एक्चुअल वैल्यू वी कांट कैलकुलेट, तो हम उसका डेल्टा h निकालते हैं, दैट इज एंथैल्पी चेंज। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंथैल्पी कैलोरीमीट्री, जो कि हमें बताएगा कि डेल्टा h और डेल्टा u कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द टर्म स्टेट फंक्शन। जैसे मैंने अभी बोला आपको, व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन, विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। शुरू में कितना था, बाद में कितना था। जैसे आप लोगों को कहा जाए कि आज ऑडिटोरियम में फंक्शन है और वहां आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, एंड टाइमिंग्स आर फिक्स कि इवनिंग 5 o'clock यू हैव टू रीच। अब उस बच्चे की प्रेजेंट लग जाएगी जो वहां 5 बजे पहुंच जाएगा। इट डजेंट मैटर कि वो बच्चा साइकिल से आ रहा है, शॉर्ट रूट से आ रहा है, लॉन्ग रूट लेके आ रहा है। अब उसकी अटेंडेंस एक स्टेट फंक्शन है। क्यों? वो इस पे डिपेंड कर रही है कि अगर हम 5 बजे स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन देख रहे हैं, उस वक्त बच्चा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मार्क कर दी, और जब वो 6 बजे फंक्शन कंप्लीट हुआ उस वक्त भी बच्चे को देख लिया कि अगर वो प्रेजेंट है तो जाते हुए भी उसकी अटेंडेंस मार्क होगी कि यस 5 to 6 उस बच्चे ने अपना फंक्शन अटेंड किया है। हमने ये नहीं देखा कि वो बच्चा वहां पहुंचा कैसे है। तो एंथैल्पी क्या होती है? इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को बना सकते हैं ना उसको खर्च कर सकते हैं। अब उसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना हो तो वो कैसे एक्सप्रेस होती है? डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी चेंज। क्यू हीट एब्जॉर्ब, डब्ल्यू वर्क डन। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो मैंने अगर किसी गैस का एग्जाम्पल लेना है कि एक कंटेनर में गैस है, मैंने उसके ऊपर पिस्टन अप्लाई किया, प्रेस कर दिया, प्रेशर अप्लाई किया, तो वॉल्यूम कम हो गया, तो वो मैंने क्या कर दी, उसकी कंप्रेशन। लेकिन अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब दोनों ही केसेस में हम डेल्टा वी लेते हैं। तो डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में अगर वर्क डन पी डेल्टा वी है एंड इट इज डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी। अब वैल्यू पुट कर दी इसमें तो क्या बन गया? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। क्यू इधर ले आए तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब हम इसका केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस, कि अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। वैल्यू डाल दी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी में डेल्टा वी जीरो डाल दो तो क्यू वी क्या बन गया? डेल्टा यू प्लस पी इंटू जीरो। तो वट इज क्यू वी? क्यू वी क्या बन गया? डेल्टा यू, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इट इज जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू इज क्यू वी। क्यू किसका सिंबल है? हीट का। तो हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखा है उस वक्त का जो हीट चेंज है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज? इट इज द हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम।
तो हीट वो एक्सचेंज जो है वो इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। मींस उसका डेल्टा एच क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब डेल्टा एच तो अभी हमने पढ़ना है, तो अगर मैं इसको बोल दूं कि हीट इवॉल्व भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। अब दोबारा फिर फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लेते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो व्हाट इज डब्ल्यू, माइनस पी डेल्टा वी, वर्क डन ऊपर हमने लिया वर्क डन बाय द सिस्टम। तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, पी डेल्टा वी की जगह हम डाल सकते हैं माइनस डब्ल्यू, इफ डब्ल्यू इज माइनस पी डेल्टा वी। डब्ल्यू अगर माइनस पी डेल्टा वी है तो व्हाट इज पी डेल्टा वी, माइनस डब्ल्यू। व्हाट इज क्यू, हीट एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अब दूसरा केस ले लिया कि जब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यू को रिप्रेजेंट कर दो, क्यू के पैर में डाल दिया पी। व्हाट इज दिस क्यू पी, ये क्यू पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट एक्सचेंज है लेकिन उस वक्त प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट। तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, तो क्यू पी आपकी बस सिस्टम की हीट एब्जॉर्ब की हुई है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है यू वन से यू टू, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वी वन टू वी टू। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज डेल्टा यू, यू टू माइनस यू वन। व्हाट इज डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन। प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर मेरा जो है वो वेरी नहीं कर रहा। तो डेल्टा यू यू टू माइनस यू वन, जो कि मैंने बोला स्टेट फंक्शन है, फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम भी क्या हो गया, वी टू माइनस वी वन। इन वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन में डाल दो। थर्ड इक्वेशन मेरी क्या थी, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। जब मैंने उसमें वैल्यूज डाली तो देखो क्या आ गया, क्यू पी डेल्टा यू की जगह क्या आ गया, यू टू माइनस यू वन प्लस पी। पी को तो बदला नहीं बिकॉज प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो वॉल्यूम की जगह क्या आ गया, वी टू माइनस वी वन। अब इन टर्म्स को इकट्ठा कर दो, यू टू प्लस पी वी टू, ये दो टर्म्स इकट्ठी कर दी, माइनस यू वन प्लस पी वी वन, माइनस कॉमन लेके यू वन प्लस पी वी वन कर दिया। अब यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी होता है एच। व्हाट इज एच, हीट कंटेंट, जिसको हम कह रहे हैं एंथाल्पी, जो सिस्टम की हीट एड्सॉर्ब्ड है। तो यू प्लस पी वी क्या हो गया, एच। तो यू टू प्लस पी वी टू, एच टू, टू से उसको कोरिलेट कर दिया। यू वन प्लस पी वी वन क्या बन गया, एच वन। तो व्हाट इज क्यू पी, क्यू पी मेरे पास क्या आ गया, क्यू पी इज एच टू माइनस एच वन। तो व्हाट इज एच टू माइनस एच वन, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्यू पी इज डेल्टा एच। व्हाट इज डेल्टा एच, एंथाल्पी चेंज। तो पहले एच क्या थी, एंथाल्पी, हीट कंटेंट था वो मेरा, अब वो बन गया एंथाल्पी चेंज। तो यहां से हम एंथाल्पी चेंज की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो व्हाट इज एंथाल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम, इट इज इक्वल टू हीट वॉल्ड और एब्सॉर्ब, क्योंकि डेल्टा एच का साइन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप कोई केमिकल प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें हीट इवॉल्व भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो एंथाल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है देन इट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है then it is enthalpy change. Internal energy change भी मेरा state function है, enthalpy change भी मेरा state function है, ये initial और final state पे depend करता है। तो मेरे पास ये formula आ गया, delta H is equal to delta U plus P delta V. तो enthalpy change can also be written in terms of delta U and P delta V. तो उसके लिए एक और definition आ गई हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ, किस चीज का सम है, एक डेल्टा यू है एक पी डेल्टा वी है। डेल्टा यू क्या है आपका, इंटरनल एनर्जी चेंज, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड उसमें सम किसका कर दिया, पी डेल्टा वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंथाल्पी चेंज। अब हम इसको एक और टर्म्स में पढ़ सकते हैं कि फिजिकल
कॉन्सेप्ट क्या हुआ एंथाल्पी का, तो उसको हेडिंग देते हम फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंथाल्पी, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस। तो आप ये कह सकते हो कि हम इसको एक और इजी वे में पढ़ने लगे हैं। वो तो ऊपर जो आ रहा है वो मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ रहा है, एक फॉर्मूला बन के आ रहा है कि एंथाल्पी चेंज जब प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वो टर्म है जो मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन आई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, मैंने उसमें भी उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ और सिंपल वे में जिसमें इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वी कैन से एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सब्सटेंस और द सिस्टम। आपने कोई सब्सटेंस लिया या आप किसी सिस्टम की बात कर रहे हो, दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इन टू हीट, कि कौन सा जो उसकी एनर्जी है जो कन्वर्ट हो रही है हीट में, दैट इज कॉल्ड एज हीट कंटेंट। हीट कंटेंट का अनदर नेम इज एंथाल्पी ऑफ द सिस्टम और ऑफ द सब्सटेंस। तो इसको हम एंथाल्पी या हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम और द सब्सटेंस कह सकते हैं। अब इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए वी आर हैविंग वन न्यूमेरिकल, तो गिव द हेडिंग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल हम इसका करने लगे हैं। आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला? करा हुआ है हमने C6H6। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। स्टेटमेंट देखो क्या है, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज फाउंड टू बी 3263.9 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप ध्यान दो, दी भी किया हुई है हीट ऑफ कंबशन, कैलकुलेट भी क्या करनी है बेंजीन की हीट ऑफ कंबशन, देन व्हाट इज द डिफरेंस? जो गिवन है आपके पास वो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, जो आपको कैलकुलेट करना है वो करना है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। सेकेंड पॉइंट, यहां पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि जो हीट ऑफ कंबशन आपको दी गई है बेंजीन की वो क्या गिवन है? 3263.9 दिया गया है। लेकिन जब भी कोई कंबशन होता है, प्रोसेस होता है, उसमें हीट इवॉल्व ही होती है। इसलिए जब भी आपके पास किसी स्टेटमेंट में हीट ऑफ कंबशन लिखा हुआ हो, यू हैव टू टेक नेगेटिव साइन कि उसका जो एंथाल्पी चेंज है वो, या इंटरनल एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव ही होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ क्यू वी, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू, इट इज -3263.9 किलो जूल पर मोल। निकालना क्या है? QP, हीट ऑफ कंबशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मीन्स डेल्टा एच, दिस इज क्वेश्चन मार्क। अब आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये कहां से आया? क्योंकि PV इज इक्वल टू एन आर टी होता है, और मेरे पास फॉर्मूला था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो वी कैन से पी डेल्टा वी डेल्टा एन जी, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स इन टू आर टी होगा। अब उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेंजीन की। C6H6 की कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब आपको बताया गया हुआ है कि जब भी कोई चीज बर्न करती है, किसी की कंबशन हो रही है, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? CO2 और साथ में क्या होता है? H2O। बैलेंस कर दो, 6 कार्बन है तो 6 CO2, इधर क्या आएगा? 3 H2O। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, 6 to the 12 plus 3 15, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15/2। अब हमको डेल्टा एन जी निकालना है, ये लिक्विड, ये गैस, ये गैस, ये लिक्विड।
डेल्टा एन जी सुजेस्ट ही यही करता है कि सिर्फ गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स आपको लेने हैं। तो गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, एनपी माइनस एनआर, क्या बना ये 6 माइनस 15 बाय 2, ये वैल्यू आ जाती है आपकी सॉल्व करके 12 माइनस 15 बाय 2 इज माइनस 3 बाय 2। नाउ पुट द वैल्यू, डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू देखो दिया हुआ था माइनस 3263.9, माइनस 3263.9। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस है आपके पास, या तो जो ये वैल्यू दी गई है किलो जूल पर मोल, इसको आप जूल में कन्वर्ट करो और आर की वैल्यू 8.314 लगाओ, या इसको किलो जूल में ही रहने दो और आर की वैल्यू को 8.314 इंटू 10^-3 कर दो। तो वी आर टेकिंग, तो डेल्टा एन जी मेरे पास क्या आ गया 6 - 15/2 -3/2। तो -3263.9 अगर डेल्टा यू आप किलो जूल पर मोल वाला लोगे, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, डेल्टा एन जी -3/2। अब आर की वैल्यू क्या लगाओगे 8.314 इंटू 10^-3। अब इन क्वेश्चंस में अगर टेम्परेचर दिया हुआ है देन इट इज ओके, अदरवाइज यू हैव टू राइट 298 बिकॉज वी हैव डन आवर स्टडी एट 298 केल्विन। वैल्यू पुट कर दी -3263.9 -3/2 इंटू 8.314 10^-3 इंटू 298। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच आ रहा है -3263.9 -3.7। तो व्हेन वी आर सॉल्विंग इट दिस कम्स आउट टू बी -3267.6। अब क्योंकि देखो मैंने आर की वैल्यू क्या ली है 8.314 इंटू 10^-3, इसका मतलब मैंने डेल्टा यू का यूनिट चेंज नहीं किया, उसको किलो जूल पर मोल ही रहने दिया। तो मेरा जो डेल्टा एच का आंसर है वो भी किस में आ गया -3267.6 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो कि फॉर्मूला यूज्ड इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो वंस अगेन आई कैन से डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज व्हेन हीट एक्सचेंज अकर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन हीट एक्सचेंज अकर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और सिंपल लैंग्वेज में क्यूपी इज डेल्टा एच क्यूवी इज डेल्टा यू। नाउ आई एम गिविंग यू टू क्वेश्चंस फॉर पीएफपी, यू कैन ट्राई एट योर लेवल। हाँ जी, हिंट आई एम गोइंग टू गिव यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी चेंज। तो क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको? इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब क्या निकालोगे? डेल्टा यू फॉर द रिएक्शन ए लिक्विड टू ए गैस, लिक्विड से गैस जा रहा है, एट 373 केल्विन टेम्परेचर इज गिवन, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 40.66 किलो जूल पर मोल। तो अगर आप इसका यूनिट हीट ऑफ वेपराइजेशन 40.66 किलो जूल पर मोल ले लेते हो तो इसको आप किस फॉर्म में ले लोगे कि ये क्या गिवन है? डेल्टा एच ए लिक्विड टू ए गैशियस। अब डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी इज चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ओनली फॉर गैशियस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में तो ए लिक्विड है, प्रोडक्ट में ए गैशियस है, ए गैशियस का नंबर ऑफ मोल हुआ 1 - 0, तो इट विल बी डेल्टा एन जी 1। जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसको आप क्या ले लोगे? डेल्टा एच। इफ यू आर टेकिंग इट 40.66 इंटू 1000, तो किलो जूल के अगर आप जूल बना रहे हो तो आर की वैल्यू क्या ले लोगे?
8.314। और अगर आपको लगता है कि आपको 40.66 ही करना है, उसके जूल नहीं बनाने हैं, देन यू विल टेक द वैल्यू ऑफ आर विच इज द गैस कॉन्स्टेंट 8.314 इंटू 10^-3। तो फॉर्मूला वी विल राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर आ रहा है आपका -3267.6 किलो जूल पर मोल। तो आप ये पॉज करके वीडियो को ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं एंड देन यू कैन चेक योर आंसर। आई हैड गिवन द आंसर -3267.6 किलो जूल पर मोल और डेल्टा एन जी -3/2 डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इट डिपेंड्स कि आप किसका डेल्टा एन जी लेना चाह रहे हैं। जो आपका जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है डेल्टा एन जी ए लिक्विड टू ए गैशियस, तो इसका डेल्टा एन जी आप ले लोगे 1-0, 1। और हमारे पास डेल्टा एच क्या दिया हुआ था, डेल्टा एच वॉज गिवन दिस वैल्यू इज गिवन 40.66। ये जो मैंने पहले हिंट दिया हुआ, ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था -3267.6 किलो जूल पर मोल, जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था। अब हम कौन सा कैलकुलेट करने वाले हैं, हिंट आई एम गिविंग यू, डेल्टा एन जी ए इक्वल टू ए गैशियस 1-0 = 1, और इसमें अब आपका आंसर आ रहा है 37.56। आंसर कमिंग आउट टू बी 37.56 किलो जूल पर मोल। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। होपफुली आपने पहले पॉज किया होगा और इसका आंसर कोरिलेट कर लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम द पूल इज कवर्ड विद द फिल्म ऑफ वाटर। स्विमर है, स्विमिंग करके आ रहा है पूल से, और उसकी बॉडी के ऊपर जो पानी की लेयर है उसका मास 18 ग्राम है। स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम द पूल इज कवर्ड विद फिल्म ऑफ वाटर वेइंग 18 ग्राम्स। फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन 40.66 किलो जूल पर मोल। अगर इसका डेल्टा एच 40.66 किलो जूल पर मोल है तो बताओ उसका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, अगेन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो इसमें हमारे पास आएगा जो डेल्टा एच बनेगा, इसमें अब आपको वाटर के लिए क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो वाटर के लिए हम क्या लेंगे, अगर वाटर की लेयर है और वो इवेपोरेट हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ वाटर लिक्विड से वाटर गैशियस है, ठीक है जी। तो वाटर लिक्विड टू वाटर गैशियस क्योंकि वेपराइजेशन हो रही है। अब 18 ग्राम वाटर वाज देयर, 18 ग्राम है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बना लो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, यस वी हैव डन, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18, तो 18/18 इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं 1 मोल पानी 1 मोल वाटर गैशियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो व्हाट विल बी डेल्टा एन जी, गैशियस का लेना है 1-0 = 1, तो मेरा डेल्टा एन जी कितना आ गया, इसमें भी क्या आ गया 1। नाउ यू विल पुट द फॉर्मूला डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू, डेल्टा एन जी आपने ले लिया, आर की वैल्यू डिसीजन अप टू यू 8.314 यूज करना है। तो जो भी दिया हो डेल्टा एच हो डेल्टा यू हो, उसका यूनिट किसका होना चाहिए, जूल पर मोल। और अगर आप उसको यूज करना चाहते हो 8.314 इंटू 10^-3, तब आपने आर उसका जो डेल्टा एच है वो किलो जूल पर मोल यूज करोगे। तो जब आप ये वैल्यू डालते हो तो ये आंसर आ रहा है 37.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चंस बेटा यू हैव टू ट्राई, एंड स्टिल एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन अगेन रिवाइज द टॉपिक। अब हम इसके बाद चल रहे हैं कि ये डेल्टा एच और डेल्टा यू मेजर कैसे होते हैं।
तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए इसका अगला टॉपिक है, सेकेंड पार्ट है आज के लेक्चर का, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। तो इस प्रोसेस को, एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री। तो इट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, लैब में जाके जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, टू मेजर एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंज ही है, चाहे वो एंथैल्पी है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी है, इट इज काइंड ऑफ एनर्जी। तो दीज आर एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल चेंज। इसको भी हम दो पार्ट्स में, दो कंडीशंस में डिवाइड कर रहे हैं। क्यू वी क्या हो गया आपका, डेल्टा यू, और क्यू पी क्या हो गया, डेल्टा एच। बार बार हम दो टर्म्स यूज कर रहे हैं, हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, देन इट इज क्यू वी, हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन वी आर सेइंग इट क्यू पी। तो क्यू पी एंड क्यू वी, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। तो सबसे पहले हम करने लगे हैं डेल्टा यू। तो जब डेल्टा यू की मेजरमेंट होती है, व्हाट इज डेल्टा यू, यस राइट, इट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये कब होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेना है कंबस्शन का, और उसमें मैंने कंटेनर को क्लोज कर देना क्योंकि गैसेज है, मैंने बाहर उसको निकलने नहीं देना। तो मेरा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो एंथाल्पी ऑफ कंबस्शन मैंने मेजर करनी है। तो आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल, तो एंथाल्पी ऑफ कंबस्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय द ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज द टेक्निक, उसमें जब आप डेल्टा यू कैलकुलेट करने लगे हो और जिस ऑपरेटर्स में करने लगे हो उस ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। नाउ इट इज वेरी सरप्राइजिंग व्हाई इट इज कॉल्ड बॉम्ब। तो बॉम्ब कौन है, जो वेसल है उसका नाम बॉम्ब है। तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल, एक हैवी स्टील का वेसल है जिसको हमने सराउंड किया है एक और बड़े वेसल से, और उसमें पानी रखा हुआ है और उसको इंसुलेशन दी गई है। थर्मामीटर एंड स्टरर आर सस्पेंडेड इन इट। आई एम गोइंग टू शो द डायग्राम ऑफ दिस बॉम्ब कैलोरीमीटर। हाँ जी बेटा, देखो ये डायग्राम है, इसमें हमने क्या शो करना है, एक तो ये दिखा रहा है थर्मामीटर, मैग्नीफाइंग, ये देखो आई पीस है देखने के लिए, ऊपर से ऑक्सीजन सप्लाई क्योंकि कंबस्शन है, तो कंबस्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन। दो होल्स करते हैं इसमें, एक थर्मामीटर और एक आपका क्या हो गया, स्टरर। ये इंसुलेटिंग जैकेट हो गई, फिर दिखाया हुआ है बकेट, हीटर, वाटर, इग्निशन कॉयल जो गर्म हो जाएगी, सैंपल जहाँ पे हमने मटेरियल डालना है, और ये स्टील का बॉम्ब। स्टील का वेसल क्या कहला रहा है, स्टील बॉम्ब, क्रूसिबल, एयर स्पेस। दिस इज द डायग्राम फॉर द बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब हम करते हैं कि इसमें किया क्या हमने, ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉम्ब। हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन डाल दी क्योंकि कंबस्शन करनी है तो ऑक्सीजन तो चाहिए। करंट इज पास थ्रू फिलामेंट, फिलामेंट के थ्रू करंट पास किया और कंबस्शन शुरू हो गई। इंक्रीज इन टेम्परेचर इन नोटेड डाउन, हमने थर्मामीटर डाला ही हुआ है, हम उससे क्या चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितना रेज हुआ। देन व्हाट यू कैलकुलेट, हीट कैपेसिटी ऑफ ऑपरेटर्स इज कैलकुलेटेड। अब हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने क्या करना है, डेल्टा यू हमने क्या निकालना है, क्यू हीट, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। तो व्हाट इज क्यू, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर कि जब आप ये कंबस्शन होगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सैंपल हम डालते हैं कंबस्शन के लिए उसकी बर्निंग होगी तो कितना टेम्परेचर रेज करेगा। मास ऑफ सब्सटेंस जो आपने अमाउंट लिया और उसको रिप्रेजेंट कर रहा स्मॉल एम से, और व्हाट इज कैपिटल एम, मॉलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, उसका मॉलिकुलर वेट कितना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू। वंस अगेन आई एम शोइंग यू डायग्राम, इसमें हमने क्या शो करा है, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब हम कह रहे हैं ऑपरेटर्स को जो वेसल यूज करा है। ये ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे देखो एक क्रूसिबल लिया है, क्रूसिबल को एक बड़ा सा जार या बड़ा सा स्टील का वेसल कह सकते हो, उसको हम कह रहे हैं बॉम्ब। उसके अंदर रखा हुआ है सैंपल, इग्निशन कॉयल है जो आपकी गर्म होगी, हीटर हो गया गर्म करने के लिए,
बकेट है, इंसुलेटिंग जैकेट है और ऊपर दो होल्स थे, एक स्टरर के लिए, एक थर्मामीटर के लिए, एक हमने ऑक्सीजन की सप्लाई दिखाई है। तो ये प्रोसेस मेरा कंबस्शन प्रोसेस जब होगा उसमें मुझे किसकी वैल्यू दे रहा है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू। अब हम चलते हैं आगे, इसका सेकंड पार्ट जो था मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच। नाउ व्हाट इज दिस डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट रखा हुआ है, प्रेशर। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन, ऊपर हमने किसका एग्जांपल लिया, कम्बशन, हैवी वेसल था, स्टील का वेसल था, उसमें हम किसी की सैंपल को बर्न कर रहे थे। अब हम क्या ले रहे हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन करनी किसकी है, एसिड की बेस के साथ। तो सिंपल कैलोरीमीटर कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिथिन बॉटल फिटेड विद कॉर्क विद टू होल्स फॉर स्टरर एंड थर्मामीटर इज यूज्ड। अभी आ रहा है इसका डायग्राम कि इसमें हम क्या ले रहे हैं, जो ऑपरेटर्स है हमारा पॉलिथिन बॉटल का बना हुआ है और उसमें कॉर्क है और दो होल किए हुए हैं, एक स्टरर के लिए और एक थर्मामीटर के लिए। थर्मामीटर टेम्परेचर रीडिंग करेगा और स्टरर उसको हिलाने के लिए, एसिड को बेस में मिक्स करने के लिए। लेकिन अगर आप इस पॉलिथिन बॉटल को चेंज कर देते हो पॉलीस्टायरिन कप के साथ, देन वी कॉल इट एज कॉफी कप कैलोरीमीटर, कि हमने कॉफी वाले कप से कैलोरीमीटर बनाया। बिकॉज जो कॉफी कप्स होते हैं जिसमें आप कॉफी पीते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है, इट इज अ पॉलीमर, पॉलीस्टायरिन, स्टायरिन, पॉलीस्टायरिन का बना हुआ होता है। इसलिए वो बोल रहा है पॉलीस्टायरिन कप व्हेन इट इज यूज देन वी कॉल इट एज कॉफी कप कैलोरीमीटर। हाँ जी, ये अब इसका डायग्राम आई गोइंग टू शो यू, ये एक सिंपल सा डायग्राम है, थर्मामीटर है, स्टरर है और ये स्टायरोफोम कवर है, स्टायरोफोम कप्स हैं और इसी के अंदर हम एसिड और बेस डाल देते हैं, स्टरर से हिलाते हैं और इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चेक किया जाता है। ए नॉन वॉल्यूम ऑफ HCl एंड नॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH आर टेकन इन टू डिफरेंट बीकर्स, मेजर करके कि ये नॉन वॉल्यूम HCl का है, ये वॉल्यूम NaOH का है, दो अलग अलग बीकर में रखा जाता है एंड आर कैप्ट इन वाटर बाथ, वाटर बाथ में रख देते हैं टू अटेन सेम टेम्परेचर, ताकि दोनों का सेम टेम्परेचर आ जाए। HCl इन फर्स्ट बीकर इज ट्रांसफर्ड इन टू पॉलीस्टायरिन कप। अब वो जो HCl एक बीकर में डाला है और NaOH दूसरे बीकर में डाला है, क्या करते हैं हम दोनों को पॉलीस्टायरिन कप, जो आपने कप बनाया है या तो, या आपकी उसकी है पॉलीथीन की जो बॉटल है, जो भी आप यूज कर रहे हो, आप उसमें दोनों को मिक्स कर दोगे। HCl डाला है तो उसमें NaOH ऐड कर दोगे और स्टरिंग करते रहोगे, हिलाते रहोगे साथ साथ टू मिक्स एंड हाइएस्ट टेम्परेचर इज नोटेड डाउन, दिस गिव्स हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है तो अल्टीमेटली जो हीट इवॉल्व होती है वो फिक्स वैल्यू है 57.1 किलो जूल पर मोल, विच इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयन। अब जैसे कि मैंने HCl लिया तो आई कैन राइट HCl प्लस NaOH, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये मेरा हो गया एसिड, ये मेरा हो गया बेस, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड रादर देन आई शुड से ये मेरी कौन सा है स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH भी कौन है मेरा स्ट्रॉन्ग बेस, तो आयंस बनेंगे, ये प्रोडक्ट में क्या देगा NaCl प्लस वाटर। जब आप इसके आयंस बनाओगे, देखो आप H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिv, NaCl को ब्रेक कर दो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर को ऐसे ही रहने दो। अब Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कट गया, तो अल्टीमेटली H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इज वाटर। इट मींस व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, जो पूरे का पूरा डिसोसिएट होके आपको H पॉजिटिव आयन देता है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस, जो पूरा पूरा पानी में डिसोसिएट होके आपको क्या देता है OH नेगेटिव आयंस। तो H और OH आपस में कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगी,
तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स एच पॉजिटिव, फिक्स ओ एच नेगेटिव. तो दिस डेल्टा एच इज -57.1 किलो जूल पर मोल. तो इसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अगला हमारा टॉपिक आएगा एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज. उसमें आप स्टडी करोगे डिटेल में कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की फिक्स वैल्यू है 57.1. एंड नोटिस मैंने माइनस का साइन लगाया है, इट मीन्स हीट इज इवॉल्व. इसमें हीट क्या करती है, इवॉल्व होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं. तो हमने यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल लेके वी हैव चेक्ड इट कि डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कैलोरीमीट्री, जिसमें आपने स्टडी किया कि डेल्टा एच और डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट होता है. और उससे पहले आज हमारा जो था, हमने थोड़ी सी डेरिवेशन करी. उसमें हमने क्या करा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी, फर्स्ट लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का, वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस पी डेल्टा वी. वहां से मूव करते करते वी कम अक्रॉस मीनिंग ऑफ फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी. फिर हमने करा कि हीट एक्सचेंज होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पे होगा. डेल्टा एच इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. फिर हमने इनकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी कि एक्सपेरिमेंट करना हो तो इनको कहाँ हम स्टडी कर सकते हैं, कौन सा एपरेटस यूज होगा, जिसको हमने कंक्लूडिंग लाइन एक वर्ड दिया कैलोरीमेट्री. सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर एंथैल्पी एंड कैलोरीमेट्री. होपफुली यू मस्ट हैव लिसन इट केयरफुली. आप पॉज करिए वीडियो को और इसके नोट्स बना लीजिए, देन यू कैन रिवाइज इट. इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके देन, थैंक यू, गुड बाय ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.